आजाद कश्मीर से खबर शामिल करते हैं, जहां कोटली में मेन शाहराह पर ऑयल टैंकर उलट गया है। टैंकर उलटने से पेट्रोल लीक होना शुरू हो गया है। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें मौके पर रवाना हो गई हैं। मजीद अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे अंसर बशीर से। अंसर बशीर, बताइएगा, रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं, कब तक क्लियर करवा लिया जाएगा इलाके? जी बिल्कुल, ये मीरपुर कोटली जो मेन शाहराह है, ये थाना न्यू सिटी की हदूद में ऑयल से भरा टैंकर जो है वो तेज रफ्तार की वजह से उलट गया है, और इस वक्त ऑयल टैंकर से जो पेट्रोल है उसकी भी लीकेज जारी है। जो वहां पर मौजूद SHO है, उनका कहना है कि 24,000 लीटर ये पेट्रोल था। इसमें ड्राइवर और जो उसका हेल्पर है वो दोनों दरवाजे तोड़कर उनको टैंकर से बाहर निकाला है, और दोनों जख्मी हालत में हैं। इस वक्त पाक फौज के जवान भी मौके पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने इलाके को घेरे में ले लिया है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाकया से बचा जा सके, और कोशिश जो जारी है कि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू का अमल है उसको मुकम्मल कर लिया जाए। इस वक्त पुलिस भी वहां पर मौजूद है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है। जी, कोटली की मेन शाहराह पर ये ऑयल टैंकर उलट गया है, जहां पर पुलिस और रेस्क्यू की टीमें भी पहुंच चुकी हैं और इलाके को घेरे में ले लिया है। तफसीलात बताते हैं अंसर बशीर, बहुत शुक्रिया आपका। और यहां